गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बेटा, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर बुक पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है भाषा तथा भाषा के प्रकार। क्या नाम है बेटा लेसन का? भाषा तथा भाषा के प्रकार। भाषा किसे कहते हैं बेटा? भाषा का शाब्दिक अर्थ है कहना, प्रकट करना, बताना आदि। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, इसका अर्थ है प्रकट करना। इट मीन्स हम अपनी बात को बोलकर, लिखकर या जिस भी मे में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा मतलब कहकर, कहना मतलब प्रकट करना मतलब एक्सप्रेस करना, बताना मतलब बोलकर बताना। परिभाषा डेफिनेशन, भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने मन की बात बोलकर अथवा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। बेटा वही जो मैंने बताया है, देखो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने मन की बात बोलकर, हम अपने मन की बात बोलकर लिखकर दूसरों को बताते हैं या समझाते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं, ये बात ठीक है। ये किसने बोला है? माँ अपने बच्चे को क्या समझाती है? अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं। उसके बाद है अध्यापिका लिखकर समझाती है, क्या समझाती है? हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा बेटा? राजभाषा है। पत्र लिखकर समझाना, हम अपनी बात को लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो बेटा इस पिक्चर में जैसे एक बच्चा एक लेटर लिख रहा है तो वो लिखकर अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है। बोलकर भाषण देकर बात समझाना या फिर कुछ भी बोलकर एक्सप्रेस करना, तो हम उस तरह से भी अपनी भाषा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है बेटा भाषा के प्रकार। हम अपनी बात दूसरों तक दो प्रकार से पहुंचा सकते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है बेटा, मौखिक भाषा यानी कि जो हम बोलकर करते हैं, लिखित भाषा जो हम लिखकर करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इट मीन्स जो भी कोई बात हम अपने मुँह से बोलते हैं और अपने कानों से सुनते हैं, समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाषण देना, गीत गाना, समाचार सुनना आदि। सेकंड क्या है? लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी कोई भी बात, बेटा जैसे हमने पिक्चर में देखा था कि वो बच्चा अपनी बात को लिखकर एक्सप्रेस कर रहा है और पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं, दैट मीन्स कि कोई भी हमें लेटर भेजता है और हम उस लेटर को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुस्तकें, समाचार पत्र आदि। भाषा का एक अन्य प्रकार सांकेतिक भाषा भी है, परंतु कभी कभी लोग संकेतों का गलत अर्थ समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि कई कई बार जो हम अपनी बातें एक्सप्रेस करके बताते हैं अपने भाव भाव से, उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, इसीलिए यह भाषा मान्य नहीं है। जब बात को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे भाषा और भाषा के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। ओके बेटा।